267 लीटर 68 250 से ऊपर हो गया। ये भाई सोनू जी दिख रहे हैं आपको वेरी बेकर खोलते हुए। इस ट्रैक्टर में इंप्लीमेंट फंसाने से पहले आपको एक काम करना पड़ता है, वो क्या है, ऐसे ड्रम रखो भाई इसमें डीजल का। हेलो भाई, मैं विवेक, दूसरा दिन और आज काम करते हैं दूसरा, बताता हूँ आगे। टॉमी गेट खोल दे, इनको तो समझ नहीं बैठ रहा, तीन तीन चार मील इकट्ठा हो गया, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा। यो कान का पकड़ा, वो शिकारी बन रहो यो भी। आज है भाई पूरा भूस ढोना है, क्योंकि लोगों ने मूंग बो दिया और हम भूस ना ढो पा रहे हैं। गेहूं भी नहीं कटा है अभी तो, चने ही कटा। बैठ जा, जल्दी जल्दी काम कर लू पोरिया। टॉमी तू भी चल, निकालने को तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं, वो देखो कितनी प्यारी जगह है, पर हम ऐसे उठपटांग काम में हमारा ज्यादा भरोसा रहे, कभी इसका पावर स्टीयरिंग फट जाए। बहुत मजा आ रही है। कौन सा ढेर भरा? यहीं से शुरुआत करा, ये ट्रैली भर गई भाई साहब, और अब मैं निकल लूं। अब आएगा दूसरा ट्रैक्टर, इधर तो भूसा मशीन भी चलने लगी, अपना गेहूं ही नहीं कटा। अभी तो चने भी देखो आधे काट के, आज एक तो आज और अमावस हो गई तो इस चक्कर में इन्होंने काटेंगे पूरे। इनको फोन लगा के पूछता हूँ आज काटेंगे भी कि नहीं, कि आज नहीं काटते शायद, इतना धूल लेके आ रहा है। ओ भोपाली ड्राइवर लगता है कहीं घिसाते ही ला रहा ट्राली को वापसी खेत की ओर। अब मेरे को लगा था ओहो इसमें भराएगी चार ट्रॉली, लेकिन ये दूसरी चार तो फिर भी भरा सकती है। ऐसा छत लगा हो ना तो इस ट्रैक्टर को जो लेके आता वो आदमी ऐसे सीट पे उल्टा औंधा उबड़ा होता है, लेकिन वो बैठ नहीं पाता। सही बात है। कौन तू सीधे तो बैठे ले, क्यों इनसे पूछा, लग रही हो बढ़िया धूप खतरनाक यहाँ से, तो ये उल्टा पुल्टा सुल्टा ट्रॉली नीचे घुस जा। छत भी नहीं है ना, तो पंखा उसमें ना डीजे है, अब कहीं आदमी टाइम पास हो कहीं नहीं है, तो भूस भरन लग जा। नहीं टाइम पास हो रो तो कहीं तो करो, भूस भरन लग जा। बाय। ओहो मोबाइल ही मोबाइल, ये उस दिन कल हादसे में ये मोबाइल का एक्सीडेंट हुआ थी, दिख रहा इसमें 4000 की डिस्प्ले डली थी। उसका ये बड़ा कैमरा है वो 16 प्रो मैक्स है। नहीं कितनी शांति थी राधेश्याम, यहाँ में शांति में वीडियोस वो बन ही रहो थे और तूने डिस्टर्ब कर दी, वो भी आसो थोपड़ो लीने। इनको इधर जाने को नहीं होना। क्यों? हम बाउंड्री पार कर रहे हैं, उधर दो पेशेंट घायल है। किधर? वो उधर साइड में तो ओमन नहाई रही है, का अंदर कूदे ले नाला का अंदर निकल गई। पूछ तो रहा है अभी, लेकिन हमारे साथी इनकी भाई बन गई मोर, ये बोल रहे हैं अब हमारे बस की बात नहीं है ट्रॉली भरना। मैं उधर कांच में देख रहा था इस वाले में तो नंदलाल, क्योंकि इनका करता धरता तो नंदलाल ही है। मैं बोल रहा था अपन रात में लामा तो 8 बजे का बाद, 8-9 बजे समथिंग देख लेंगे, तो अपन दो ही ट्रैक्टर ले आएंगे, एक में कल्टीवेटर मशीन ले आएंगे, तो अपन यहाँ से कल्टीवेटर करना भी स्टार्ट कर देंगे। तुम रहेगा साथ में तो अपन 11-12 बजे तक भूस भी खत्म कर देंगे और खेत भी। सही है कि नहीं? ये हमारी भैंसे हमें साइड ना दे रही, बताओ इन भैंसों का क्या किया जाए। इन्हें कहते हैं एहसान फरामोश भैंस, नमक हराम भैंस। सही है नहीं? 3 hours later. मूंग मम्मी जे में चना काट के लाया मम्मी मूंग। अच्छा मूंग ही मूंग बोएगा। मूंग बोएगा नहीं मम्मी। असम वाकई में तू दिख रहा है रात। बहुत टीका चलने लगा है। रात में निकल जे मत बस तू। नहीं तो आदमी भाग जाएगा तरह के देख के। ये मुच्छी में ज्यादा लगे ले नहीं। मुच्छी तो उड़ गई। राधे श्याम की छतरी उड़ गई। चल मैं तो जा ही रहा हूं अभी। मत कर बोलू, जनता गलत समझे। चला अभी सही, कटिंग बनाई जाएगी अब। मैं तो जमाते नहीं बनाना है। तू तो चिकन हो ही, वो चिकन है जब मंगला आज मार्केट भी है।
पिछवाड़ा जी पक जाता है 3 घंटे बैठने में। मान जा रहे हल्कू बेचारा बाहर खड़ा, इसलिए खड़ा ये दोनों क्योंकि मैं सोच रहा था अपनी बुलेट के लिए मैंने नवे लाइट बुलाए थे, वाइट वाले पार्किंग लैंप, वैसे लगाना उसमें रेड था, इसकी जैसी रेड आँख है ना इस टाइप के, बट वो मिले नहीं। वाइट मैन का लगाएंगे लेकिन वो खुद ही नहीं है यहाँ पे। मैं काफ़ी टाइम से उसकी रास्ता देख रहा हूँ पर वो पता नहीं कहाँ गई यार। The next day. तो भाई नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी सुबह से मैं इस ट्रॉली को लेके जा रहा हूँ अपने दूसरे वाले घर, जहाँ से अपने सारे इम्प्लीमेंट अपन ने निकाले थे, बस वहीं पे जा रहा हूँ मैं। बाकी जो एक ट्रॉली थी अपनी वो गई है भूसा लेने, जो रात को अपन नहीं लाने वाले थे कि रात को ले आएंगे, लेकिन रात को हमारे दोस्त लोग तैयार हुए ही नहीं भूसा लेने ले जाने के लिए। वो बोल रहे हम थक गए, मैंने कोई बात नहीं सुबह चलेंगे, तो एक ट्रॉली तो वो ले गए। इसमें अपन ने को क्या करना है, कूलर वूलर जो घर पड़ी है वहाँ पे वो लाना है, और जो सोयाबीन की बोरियाँ भी उनको साइड लगवाना है, ऐसा कुछ काम है वो वाले गैरेज में, और उसको साफ भी करना पड़ेगा क्योंकि अब गेहूँ डालना है तो साफ सफाई तो ज़रूरी है, वो कर लेते हैं। प्लस देखूंगा आज चने के खेत को भी बखरना पड़ेगा, उसके बाद में इसकी नेट खोलना है, आगे के लाइट भी सोच रहा हूँ खोल के पटक देता हूँ, और फिर इसका टेपिट भी सेट होगा, लेकिन ये पहले चलेगा कम से कम 4 से 5 घंटे फुल लोड पे, कल्टीवेटर या ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट पे, उसके बाद इसका टेपिट सेट होगा, फिर देखना भाई साउंड कितना मस्त आता है। यहाँ बहुत दिक्कत है यार, यो आया अपना गांव वाला घर लिल्ला है, और यहाँ इतनी छोटी रास्ता है, वो एक खड़ा ट्रैक्टर, मतलब मत पूछो रास्ता, वैसे नॉर्मल गांव से तो चौड़ी है लेकिन फिर भी छोटी है, तो अपना ट्रैक्टर वो वहाँ खड़ा दिखा दूर तो सामने खड़ा ये, और ये आ गया सामने अपना गैरेज, जिसमें प्राइम भैया अपना हिसाब से साफ सफाई अभियान को सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। इसको इधर कर दूँ फिर अपना रेड हिल के ऊपर चढ़ जाएगा। ये फंसी चाबी, यो हाय हाय हाय, नॉर्मल स्टीयरिंग की आदत ही छूट गई। पहुंच गए इस गैरेज के अंदर, सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई जग्गा भाई जासूस से, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। सीजन का जोर कैसा चल रहा है? अरे बहुत खतरनाक। यो सोयाबीन पता नहीं कौन सी वैरायटी प्रेम भैया ने रख रखे ले, और अब यहाँ से 3 कूलर या के प्रेम भैया, एक और प्लास्टिक वाली भी हुई थी ना वह उधर है शायद, वो वाला कमरा में वो कभी रख लूँ 3। अरे महाराज रखना की बोली 3, ये 4 जाएगी, और ये खाद रखना है, फिर ये जो बोरे हैं इनको ऐसे लाइन से जमाना है ताकि इसमें गेहूं आ जाए, और फिर इसको साफ करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा हाल है इसका, इतना टास्क हमको आज का मिला है, कितना काम ख़त्म करो। सोच के आए थे यहाँ पे है 3 कूलर, लेकिन यहाँ पे निकले टोटल 4 कूलर, अब 3 तो लोड हो गए, चौथा ये चल के आ रहा है बेचारा बीमार आदमी, और हमें चका है थी तो ट्राली में भी चला गो है, ट्राली में घूम तो फिर तो रहे गो। सोयाबीन को अपन ने तो भारी रखी थी यार, पड़े पड़े हल्की हुई गई, अब ये इधर लाइन से जाएंगे बोरे, तो ये जो दिख रहा ना यहाँ से यहाँ तक खाली खट से ट्राली आएगी, गेहूँ खाली करेगी और निकल लेगी। प्रेम भैया तुमको यहाँ बहुत समय लगा हुआ है, मैं बहुत देखो जाला भी है, वो सब साफ कर दो झकाझक, वो कहीं जाला झूला ये सब चकाचक कर खाओ, और कहीं जब तो गेहूँ आएगा बढ़िया, लक्ष्मी जी आएगी, गेहूँ मतलब लक्ष्मी जी, पैसा ही पैसा होगा। बवंडर आ गया धूल का, धूल ही धूल, अंदर 2 बंदे हैं लेकिन वो इस धूल में फंस चुके हैं, उन्हें समझ नहीं बैठ रही किधर से निकलना, ये तो भाग गया बाहर, नहीं तो ये भी धूला धूल हो जाता। सारा सामान लोड करके हम चल दिए, और बच्चों से हाय ले लो, रोम रोम ले लो, इसमें डीजल का ड्रम रख लिया, साथ में एक 20 लीटर वाला छोटा भी रख लेता हूँ, और इसको भी भर के ले आएंगे फुल, इतना में चल जाएगा ये थोड़े बहुत दिन। और इसमें एक कूलर भी है जिसको अपने को वापस देना है, वो टंकी भराना है, और इसमें डीजल और डाल लेता हूँ, 20 लीटर वाली केन खाली कर लेते इसके अंदर, तो उसको भी रख लेंगे ये वाली। हम डीजल लेने निकले ही थे, राधे श्याम डॉन भी छोटी कुप्पी लेके आ गए, लूना में पेट्रोल लग रो कहीं, अरे रसम ट्रायलिंग बढ़ जा क्योंकि थारा पास कुप्पी भी बहुत बढ़िया है, अरे इधर ही जा नहीं, हाँ अरे बस तो गिरेल है अब, और कहीं इससे ज्यादा और क्या गिरेगा गुरु, ट्रैक्टर में बैठने की जगह कम हुई गई,
ये बारकस भी बंद होगी, बारकस में तो म्यूजिक सिस्टम कस देगा, वो तो अपनो भैयो नहीं है हीरो। म्यूजिक सिस्टम वाला भाई तो जो बनाएगा उसके पास टाइम है नहीं है, उनने कब की बोला यार, दो दिन की बोला था, अभी तक कोई अता पता नहीं है, आज भी आने का बोला था। और एक तो अपना सीजन भी लग गया तो अपन उनको इसलिए परेशान नहीं कर रहे, वो आ भी जाए तो अभी तक अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आ जाएगा ना तो एक बार नाप दे देंगे, बाकी वो उनका काम करते रहेंगे और अपन ना ट्रैक्टर भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बैरिकेड लगे वो देखो, ये दिख रहा है बैरिकेड, पता नहीं यहाँ क्यों बैरिकेड लगा दिया यार, यहाँ पे भी देखो बैरिकेड लगा हुआ है रास्ता। हम राधेश्याम जी बता सकते हैं बैरिकेड क्यों लगे हैं जगह जगह, वो देखो वो दिख रहा चल रहा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं, वो बस आ रही तो यहाँ तो ट्रैक्टर पास निकलेगी नहीं, पीछे लगे मतलब सीमेंट कल लेने आएंगे आपको, कहाँ से हट भाई देखो। आप इधर कह रहे शॉर्टकट से चलो, तो शॉर्टकट तो छोड़ो, लॉन्ग कट आ गया, वो है पेट्रोल पंप, कब से चले जा रहे, एक तो ये रोड भी साला इतना बेकार है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हमारे साथ बीमार आदमी तो हम भगा नहीं सकते, नहीं तो इतना पिछवाड़ा तो बचा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा ना, एक वही बोई, एक बोई तो है जिसमें दर्द नहीं हो रहा बहुत मूंग बोई रहा, बहुत डीजल फूक रहा, बम डीजल फूक रहा घबराहट में कुप्पा फेंक रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो ट्रैक्टर पे आए तो ट्रैक्टर पे ही जाएगा, ये बोल रहे कि हम गाड़ी पे चले जाते हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम अगर ट्रैक्टर पे आए हो तो ट्रैक्टर पे ही जाना पड़ेगा, अगर कोई ये सेवा हो नाश्ता वगैरह हो तो आदमी दम पकड़ तो कर देगा, सेवा भी जरा काम तो होए, सेवा करके तो शाम तक तैयार, शाम तक यहीं बैठे रहेंगे, हां यहीं बैठे रहेंगे, तभी जरा काम तो होए अपना, फिर सेवा करूंगा, अभी तो सीमेंट वाले लेडू है, फिर होगी सेवाओं का बाद। ये ड्रम भरा गया, ये ड्रम भी भरा गया, और अब ट्रैक्टर भरा रहा है 267 लीटर 68, 250 से ऊपर हो गया, अभी तो भरा रहा है। 27,000 का डीजल डला के हम चल दिए सीमेंट लेने, और हमारे साथ ये जो दो शख्स हैं इनके चक्कर में भाई म्यूजिक सिस्टम की कमी महसूस हो रही है, बार बार कान में बोल रहे हैं म्यूजिक सिस्टम, तो अभी नहीं बनाएंगे, अभी अपन खेती का काम करेंगे फिर म्यूजिक सिस्टम बनाएंगे, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ भोपाल, नहीं तू यही रहो तो जा रहन दो फिर। ये भाई सोनू जी दिख रहे हैं आपको मेरी विकेट खोलते हुए, अरे कमल जी ये सामने तक गाड़ी हो जाती नजर आ रही, ये स्कूटी को हटाना पड़ रहा, से बुरा हाल, इन दोनों को उल्लू बना दिया मैंने, एक तो वो एक की पेट पूजा करा दी और आपके लिए ठंडा, ताकि आप बुरा ना माने और मेरे साथ आते रहें, अरे वहाँ बैरिकेड लगे लो, मैंने वहीं खड़ी करी, हमें बैरिकेड हटाओ फिर गाड़ी निकालो फिर बैरिकेड, मगजमारी खत्म करो, इसमें डल रही है सीमेंट। बाकी भाई साहब आज की इस वीडियो में था इतना ही, मैं ब्लॉग में मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप इसको लाइक कर सकते हो, जो जो करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ये वीडियो में था इतना ही, धन्यवाद, जय राम जी की।